बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 24x9 में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलामु अलैकुम, और मैं हूं अबुजर मौजम। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमल, आपको गुड मॉर्निंग। थैंक यू। और इसके साथ साथ जैसे कि हमारी कोशिश होती है कि हर वीक के एंड में कोशिश करें कि आपको बताएं कि किस तरह से रिकवरी में इजाफा हो रहा है, और इसके साथ साथ जिस तरह से नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं उनकी तादाद भी कम हो रही है कोरोना की। तो अब SOP को फॉलो करते हुए, स्मार्ट लॉकडाउन को फॉलो करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में अब केसेस जो हैं वो भी अब कम हो रहे हैं, उसके साथ साथ जो रिकवरी की तादाद है वो भी बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी बता दें कि अब टेस्टिंग के निज़ाम को भी महदूद किया जा रहा है। अब ये डिसीजन लिया गया है कि सिम्टम्स के साथ अगर आपके कुछ टाइम गुजर गया है तो ही आपका टेस्ट किया जाएगा। रैंडम टेस्टिंग को उस तरह से फोकस नहीं किया जा रहा। बट ऑल दो गुजशत 24 घंटों के दौरान 4000+ केसेज जो हैं वो रिपोर्ट हुए और 91 अमवात हुई हैं। वेरी कर रहा है ये ग्राफ, लेकिन बहरहाल जो एक पीक तक पहुँच गया था, 7000 पर डे केसेज आना शुरू हो गए थे, उसमें वाज़ह हद तक कमी वाकई। तो ये तो अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बात है। और इसके साथ साथ जो एक और पॉजिटिव कल खबर ये आई कि जो प्राइवेट लैब्स हैं उनके चूँकि रेट्स थे 8000 के अराउंड या उससे ज़्यादा थे, तो अब वो गवर्नमेंट ने कहा है कि 6500 आपका रेट होगा, जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली इम्पोर्टेड ये किट है, इसकी कॉस्ट भी होती है, फिर उसके साथ एक्सपेंडिचर्स भी हैं सारे तमाम। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक फिक्स किया है 6500 रुपया। तो ये भी एक अच्छी बात है, इसके साथ सिम्टम्स हों तो आप ज़रूर टेस्ट करवाएँ। और इसके अलावा अगर आपको कभी भी फील हो आपके घर में या कोई फैमिली में फ्रेंड में, तो आप इसको जरूर बताइएगा कि टेस्ट भी करवाओ, लेकिन साथ साथ आइसोलेशन जो है उसको जरूर, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। इसी के साथ टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा प्रोग्राम का रन टाइम क्या होगा। वो मासूम बच्चा जब वैन में था और बेचारा रो रहा था, और जो थे जो बुजदिल पुलिस वाले थे, जो फोर्सेस थी भारत की, वो अब सिर्फ ड्रामा एक कर रहे थे कि इसको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। बिस्किट जो है उन्होंने कहा कि हम उसको लेकर आपको लेकर देंगे बिस्किट, मतलब इतना जुल्म है। और उसके बाद ये कहा गया कि ये शख्स जो है ये हमारी फायरिंग से लगा, लेकिन उनकी जो बेटी है उन्होंने भी बता दिया, उनके जो घर वाले हैं उन्होंने भी बता दिया कि ये तो बशीर साहब जो है वो गाड़ी पर अपने नवासे के साथ सिर्फ एक जगह पर काम पर जा रहे थे, रास्ते में पुलिस ने उनको रोका, बाहर निकाला, फायर किया और वहीं पर को गिरा दिया, जिसके बाद बच्चा जो है वो जब रोया, और जब किसी शख्स ने वहाँ पर करीब शख्स ने पिक्चर ले ली, उसकी तस्वीर ले ली और फिर वायरल हो गई इंटरनेट पर, फिर उनको जवाब सूझे कि अब हम क्या करेंगे, मतलब जुल्म है। और इस तरह से अब हमारे सीनियर साहबी हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट किया, जिसके बाद हमारे प्रोग्राम में गुज़्ता रोज़ पूरा चैनल पर पूरा रोज़ पूरा दिन जो है यही बात होती रही पूरे पाकिस्तान में, इसके अलावा पूरी दुनिया इंटरनेशनल मीडिया में भी। ह्यूमन राइट्स की आवाज़ उठाने वाले कहाँ हैं? अक़वामे मुत्तहिदा में ये तस्वीर उन तमाम रूल्स के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर बनाए गए हैं एक चपेड़ है। ये तस्वीर दिखाती है असल हकीकत कि भारत क्या चाहता है, क्या वादे किए गए थे कि कश्मीर हासिल करके हम उस जन्नत को संभाल लेंगे, उस जन्नत के साथ और वहाँ के बासियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, वो आज पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया भी देख रही है। आप यकीन जानिए कि दिल टूट जाता है, उस बच्चे की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने ये मंजर बार बार आएगा। आपके किसी प्यारे को आपके सामने और छोटे से मासूम बच्चे के सामने आपने उसके नाना को गोलियां मार दी और फिर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी ये तो मिलिटेंट के साथ क्रॉस फायरिंग के दौरान हुआ, तो कहाँ है वो वाकयात? फिर क्यों आपका फौजी उनकी लाश के ऊपर खड़ा था, उनकी मैयत की बेहरमती कर रहा था? क्या कश्मीरियों के पास कोई जीने का हक नहीं है? क्या वो इस दुनिया के पास ही नहीं है? क्या उनके पास इंसानी हकूक का कोई सर्टिफिकेट नहीं है जिसकी वजह से वो ये तमाम जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं? और जिस तरह से भारती कल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, जिस तरह से उन्होंने कल बिहेव किया है इंतहाई अफसोसनाक रवैया। एक तो आपने गलती की और शर्मिंदा हों आप ये कहें कि इंसानी गलती है, इस पर हम तहकीकात करेंगे, अगर आप इसको भी मान लेते तो दुनिया शायद आपको वक्त दे देती, लेकिन अब दुनिया आपको वक्त इंशाल्लाह नहीं देगी, क्योंकि आपने ढिटाई की एक मिसाल कायम की है, झूठ की मिसाल कायम की है। और जो जिस तरह से कल सोशल मीडिया पर भारती TV के एंकर्स और वहाँ पर जो मीडिया में एनालिस्ट बैठ कर बात कर रहे थे, तमाम झूठ, तमाम गलत बातें, तमाम जो है मुनाफ़त एक हद हो चुकी है। और अब जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि यूरोपीय यूनियन इसके साथ आलमी जो तमाम बरादरी है वो इस पर एक्शन ले, अब देखिए झंझोड़े भारत को कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। बिल्कुल सही। इस हवाले से हम बात करेंगे दिफाई तजिया कार लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कश्मीर में जुल्मों की दास्तान की अगर बात की जाए तो एक लंबी तारीख है, और एक एक जुल्म, एक एक वाकया अगर बयान किया जाए तो शायद वक्त हमारे पास ख़त्म हो जाए, लेकिन भारत का जो जुल्म है वो ख़त्म नहीं होता हुआ नज़र आएगा। कब ये काली रात ढलेगी, कश्मीरियों के लिए भी सुकून का सांस आएगा? दुख की रातें, जुल्म की रातें, तकलीफ के दिन, ये अमूमन गुजरते गुजरते नहीं, ये लंबे होते हैं, लेकिन आपकी इस्तकामत, आपकी हिम्मत, आपका जज्बा, ये वो चीज़ें हैं जो आपको बाहर निकालती हैं, दुख से, तकलीफ से निजात देती हैं।
आज मुश्किल ये है कि एक तरफ तो पूरी दुनिया का जमीर सोया हुआ है, मगरबी दुनिया खास तौर पर अपने मफादात की वजह से भारत के तमाम मजालिम को नजरअंदाज करती है, लेकिन उसके साथ साथ तकलीफ चीज जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक है वो ये है कि इस्लामी ममालिक के जमीर भी सोए, इस्लामी ममालिक भी उस तरह बात नहीं करते। अभी सारे माहौल में अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है जी। अगर कश्मीरियों की आवाज बनना किसी ने तो वो पाकिस्तान में बनना है। हमें अपने अंदर देखना है कि क्या हम ये फर्ज पूरी तरह निभा रहे हैं, क्या हमारी पार्लियामेंट के पास इतनी फुर्सत है कि वो इस इशू पे बात करे। आज जो जुल्म और बर्बरियत का नक्शा आपने देखा कि एक 3 साल बच्चे के नानों को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया, तो क्या हमारी पार्लियामेंट जागी, उसने इसके ऊपर बात की, या ये कि हमारी दीनी जमातें किसी जमाने में कश्मीर फौज के लिए बड़ा कुछ करती थी, आज किधर है, क्या उनकी तरफ से कोई एहतजाज नजर आया, क्या हमने दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि जो कश्मीरियों का दुख है, जो दर्द है, वो हमारा है और हमें आज उसी तरह तकलीफ पहुंच रही है जिस तरह कश्मीर में लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, ताकि दुनिया हमारी तरफ भी देखती और उस तरह कुछ एहसास होता। अगर हमारे यहाँ बिल्कुल पुरसकून मामला रहे और किसी का कोई फिक्र ही ना करे सवाए मीडिया के चंद प्रोग्राम के, तो बाकी दुनिया तो मस्त है, उसको तो कोई जरूरत नहीं है इसके ऊपर तवज्जो देने। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि हमें अपनी पॉलिसी को नजरसानी करनी है पॉलिसी पे, और हमें एज ए नेशन एक कौम की हैसियत से, एक सियासी सिस्टम की हैसियत से अपने अमाल को देखना है कि क्या वाकई हम हक अदायगी कर रहे हैं या नहीं। अगर हम हक अदायगी नहीं कर रहे, जो नहीं कर रहे नजर आता है, तो फिर हमें सबसे पहले अपनी इस्लाह करनी। बिल्कुल जुनैद साहब, आपकी बात बजा है कि पाकिस्तान को भी भरपूर करना होगा और अपनी कैपेसिटी में किरदार अदा भी करना चाहिए मैक्सिमम हद तक, लेकिन जो अगर बात की जाए जो कल हुआ, जो भारत में हुआ है, और जिस तरह से मतलब ऐसे लग रहा है कि इंसानियत मामले ख़त्म हो गई है। 3 साल अगर बच्चे को देखें, उसके नाना को आपने गोलियां मारकर वहीं पर उसको लिटा दिया और उसके बाद बच्चा वहां पर रोता रहा है, फिर मुनाफ़कत की हद जो कि भारतीय मीडिया और उसकी जो तमाम पॉलिटिक्स में नज़र आई, फिर आवाम में नज़र आई, सोशल मीडिया पर हमने देखा, ओवरऑल टी वी पर देखा, मतलब भारत में इंसानियत आखिर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है ऐसे लग रहा है। देखिए इंसानियत तो मैं समझता हूँ कि काल खाल नज़र आती है, अगर इंसानियत होती तो एक 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 झूठी बुनियाद बना के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की कहानी करके क्या अमेरिका चढ़ दौड़ता इराक के ऊपर, या दूसरी तरफ अगर 9/11 का वाकया होता है तो ये अमेरिका की अपनी कोताही है, क्या उसको हक पहुंचता था कि अपनी कोताही का बदला जाके अफगानिस्तान में ले और 18 साल अफगानिस्तान को तबाही तबाह बर्बाद करता रहे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं और जुल्म है वो फैलता जा रहा है। क्या इसराइली फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं वो मुनासिब है, जायज है, वो देख लीजिए उनकी जमीन पे भी कब्जा कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि कभी मगरबी दुनिया से उसके ऊपर कोई एहतजाज हो। अब तो इस्लामी दुनिया से भी एहतजाज खत्म हो गया। तो जो ये जो दिलखराश वाकया जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, कश्मीर में जो रूनुमा हुआ, फलस्तीन में तो ऐसे कई वाकयात होते रहे, लेकिन बहरहाल कश्मीर में देख के तो बड़ा दुख हुआ, बहुत ज्यादा इस पे खुश हुआ। लेकिन मैं वही बात कहूंगा कि बाकी दुनिया में तो इंसानियत शायद उस तरह जिंदा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को वो इंसानी जज्बा दिखाना होगा जो हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जो ज्यादती हो रही है, जो दुख वो उठा रहे हैं, उसमें हमने हिस्सा डालना, उस दुख को बांटना। बिल्कुल, उसके लिए क्या ये कौम पूरी तड़प उठी है? आज मीडिया पर हम बात कर रहे हैं, शुक्र अल्लाह ताला का कि हमारे मीडिया को इसका एहसास है, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टीज को एहसास है या हमारी पार्लियामेंट को? ये वो जगह हैं जहां पे हमने वो गम गुस्से का इजहार करना था, कश्मीरियों की आवाज बनना था ताकि अक्वामे आलम में आपकी आवाज सुनी जाए, वो हमने नहीं किया, वो करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हमें अपने इन प्रोग्रामों के जरिए ही अपने लीडर्स को पैगाम देना चाहिए कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको निभाएं, ये जिम्मेदारी इस तरह छोड़ी नहीं जा सकती और आपकी ये कोताही ये हमेशा इसकी मजम्मत की जाएगी। बिल साहब, लेकिन आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है बार बार इस इशू को ना सिर्फ रेज किया जा रहा है बल्कि वज़ीर आज़म की वो स्पीच जो उन्होंने कश्मीर के हवाले से की थी आलमी दुनिया के सामने वो भी बहुत इम्पैक्ट रखती थी, लेकिन वहीं पर कश्मीरी अब ये दुनिया की तरफ देख रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि कौन जवाब लेगा उनके लिए, इंसाफ के लिए कौन खड़ा होगा। अब आपने जैसे जिक्र किया कि हमें गवर्नमेंट लेवल पर भी और मीडिया लेवल पर तो हो ही रहा है, ट्विटर के ऊपर भी लोग एक्टिव हैं, हम लोग तो आवाज़ बुलंद कर ही रहे हैं, पाकिस्तान का तो दिल रोता है और खून के आंसू रोता है, आलमी दुनिया कब तक खामोश रहेगी?
देखिए दुनिया की खामोशी तो मेरा ख्याल है कि दुआ ही अल्लाह ताला से करनी चाहिए कि इस दुनिया में इंसाफ कायम हो। देखिए अमेरिका एक वाहिद सुपर पावर बना इस दुनिया की, अल्लाह ताला ने उसको बहुत ताकत दी, बहुत मौका दी। ये हमारे कुरान करीम में मौजूद है, जैसे हजरत दाऊद की सल्तनत और उनको बेपना कुवत थी, लेकिन उनको फिर साथ ये उनके ऊपर एक चीज लाजम की गई कि आप अल्लाह के नबी हैं और आपने दुनिया में इंसाफ करना, इंसाफ ना करने पे उनकी सरजनिश होती जी। तो ये निजाम चूंकि दुनिया का चलता है इंसाफ की बुनियाद पे, लेकिन अमरीका जो वाहिद सुपर पावर थी ये बड़ी जल्दी जवाल पजीर होगी। उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये दुनिया में इंसाफ कायम करने में नाकाम रहे, बल्कि इन्होंने जालिम का साथ दिया, इसराइल का जिस तरह साथ दिया ये जालिम का साथ दिया। तो ये चीजें जो हैं ये बहुत लंबे वक्त तक चल नहीं सकती। इंसानी जिंदगी का असूल यही है कि हर हाल झूठ ने जुल्म ने इन्होंने मिटना है। अब चीज ये है कि क्या हमारे पास कुछ ऐसा है कि हम कश्मीरी बेचारे जो आज इस तरह के अलमनाक हादसात से, अंदोनाक हादसा से दो चार हो रहे हैं, उनके लिए कोई मरम पट्टी? तो वो यही है कि हमें बाहर निकलना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में जाके ये उठाना चाहिए, हमें ह्यूमन राइट्स के तमाम ऑर्गेनाइजेशन को जाके ये हिलाना चाहिए, झंझोड़ना चाहिए। हमारे अपने ह्यूमन राइट्स के अदारे हैं, खवातीन हैं, क्या ये खवातीन के डेलीगेशन मुल्क से बाहर नहीं जा सकते? दूसरे मुल्कों में जाके तो वहां पे जमीर झुंझोड़ सकते हैं, खवातीन वहां की उनको मुतहरक कर सकते हैं कि देखिए क्या जुल्म हो रहा है, इसी जुल्म की तस्वीरें वीडियो क्लिप्स वगैरह ये दुनिया में फैलाई जा सकती हैं। तो बात यह है कि अगर दुनिया अपना जमीर सुला दे या आंखें बंद करके बैठी रहे तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, हमने झंझोड़ना है। मेरा अपना अंदाजा है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो शायद काफी नहीं है, क्योंकि इसके नतायज अभी तक तो हमने कुछ नहीं देखे, तो बहुत ज्यादा हमें कोशिश करनी। बिल्कुल ठीक बजा फरमाया आपने जनरल साहब, और जिस तरह सिचुएशन है पूरी दुनिया को जल्द देखना भी होगा। लेकिन इसके साथ अगर बात की जाए एलओसी पर जो मुसलसल खिलाफ वर्जियां जा रही हैं भारत की, एक तरफ तो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ जो एलओसी पर बार बार एक साल अगर बात की जाए तो 1,540 बार खिलाफ वर्जी की गई और 14 मासूम शहरी जो हैं उनको शहीद कर दिया गया। मतलब ये एलओसी पर मुसलसल खिलाफ वर्जी, फिर पाकिस्तान को भी भरपूर जवाब देना पड़ता है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर भी दुनिया खामोश दिखाई देती है। देखिए जब मोदी की हुकूमत नहीं थी उससे पहले कांग्रेस की हुकूमत थी वहां पे तो बहुत कभी कभार ये एलओसी के ऊपर इस तरह के वाकयात होते थे। वो किसी गलतफहमी की बुनियाद पर भी हो सकते हैं या वैसे किसी ने कोई मुहिम जोई की, लेकिन वो साल में 2-4 वाकयात इससे ज्यादा नहीं। मोदी आया जब से तो ये काम शुरू जी बिल्कुल, और अब आप देखते हैं कि आप सैकड़ों के हिसाब से आप गिनती कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पे वायलेशन हुई। उसकी बुनियादी वजह एक तो ये कि उस आदमी की जहनीत को एक दहशतगर्द है, वो वायलेंस की तरफ, शिद्दत पसंदी की तरफ मायल है। दूसरी बात यह है कि उस आदमी ने जो भारत को सबक पाल दिखाए थे उसके पास दिखाने को कुछ नहीं, आज कोई परफॉर्मेंस नहीं। वहां पे इकॉनमी बर्बाद हो गई, -4.5 उनकी इकॉनमी की ग्रोथ है जो तबाही की तरफ जा रही है, बेरोजगारी बढ़ गई, आप कहते थे जी हम इतने रोजगार देंगे, और उसके अलावा अफगानिस्तान में पॉलिसीज नाकाम हो गई, यानी ये मोदी का सारा है। और फिर जो कश्मीर को यूनिलैटरली यूनियन टेरिटरी बनाने का किस्सा किया तो आपने देखा कि वो जनाब आए चाइना के साथ इनका मसला खुल गया, अब चाइना ने भी मारा। तो इन हालात में मोदी साहब जो है वो उनका अपना कैरियर, सियासी कैरियर, उनकी अपनी सियासत टोटली इस बात पे है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करते हैं। बिल्कुल ठीक, उसमें इनकी अपने लोगों की जहनीत भी है कि आप पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर उनको आप चलाते रहे हैं। आज वो उनके जहन ऐसे हैं कि वो अपनी भूख भी भूल जाएंगे, अपनी बेरोजगारी भी भूल जाएंगे अगर उनको ये सुना दिया जाए कि हमने पाकिस्तान में गोलाबारी करके ये नुकसान पहुंचा दिया या पाकिस्तान की फला पोस्ट खत्म कर दी। पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचे तो उनकी पब्लिक जो है वो बिल्कुल मुतमइन, उनको सुकून हो जाता है। तो मोदी ये सियासत कर रहा है इस वजह से। अब इसमें यह है कि पाकिस्तान की तरफ से आप देखते हैं बड़ा भरपूर जवाब दिया जाता है, और हमारे अफवाज अल्लाह के फजल से इस अहल हैं, इस काबिल हैं कि वो भारत को मुनासिब जवाब दे सकें, लिहाजा मिलिटरीली तो ये जवाब जाता जाएगा जी। लेकिन ये कि हमें यूनाइटेड नेशन में ये सवाल उठाना चाहिए बिल्कुल कि भारत हम पे इल्जाम लगाता है कि हमने वायलेशन की, हम कहते हैं कि भारत ने की, तो किधर है अक्वामे मुत्तहिदा के मुबस्सर जो दोनों तरफ रखे हुए? अक्वामे मुत्तहिदा के मुबस्सर का काम यह है कि अगर कोई इस तरह का वाकया होता है उसकी तहकीकात करके तो अक्वामे मुत्तहिदा को रिपोर्ट भेज। क्या रिपोर्टें गई उनको?
हम अपने तौर पे अक्वामे मुत्तहिदा के ऑब्जर्वर्स को बिल्कुल इजाजत देते हैं कि वो कश्मीर में या किसी के ऊपर जाए, जहां भी जाके देखना चाहें देखें, लेकिन भारत इजाजत नहीं देता। तो ये अक्वामे मुत्तहिदा की नाकामी है, जो हमें सेक्रेटरी जनरल अक्वामे मुत्तहिदा के साथ ये मसला उठाना चाहिए ताकि यहाँ पे सिविलियन लोगों की जाने न जाए, ये भारत के ऊपर इल्जाम आए हो और उसको मजबूर किया जाए कि आप बंद करें ये एलओसी के ऊपर वायलेशन। बिल्कुल, ये वो चीज है जो कि बात यही है कि जहां भी अब मगरबी दुनिया के या बड़े मुल्कों के मफादात आ जाते हैं तो आप देखते हैं कि खुद ब खुद ये चीजें नहीं चलती, ये दूसरों को ही या जो इफेक्टेड लोग हैं जैसे हम है, हमारा पाकिस्तान है, हमें मेहनत करनी होती है, लेकिन क्योंकि हमारी शायद कोताहियां हैं कि हम उतना करते नहीं तो वो बात आगे बढ़ती भी नहीं है और अक्वामे आलम तो खैर देखना ही नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेफ्टिनेंट जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने बिल्कुल सही कहा कि इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए ऐसे मामलात की और फिर अक्वामे मुत्तहिदा में खुलकर ये बात होनी चाहिए कि भारत जो विद इन इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है अपने बाइस्ड मीडिया के साथ या बीजेपी के रहनुमा जो फजूलियात अपने डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर शाया करते हैं और वहाँ पर करते हैं, अब उसका झूठ का पलंदा खुलकर सामने आ जाना चाहिए। बट आई थिंक कि अब ये इंडियंस भी रियलाइज कर रहे हैं और मैं कल कुछ ट्रोल्स देख रही थी, कुछ थ्रेड्स देख रही थी जिसपे वो अपनी ही सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि हाउ कैन यू मॉक समबडीज डेथ जब वो प्रूवन नहीं है कि वो मिलिटेंट थे या नहीं थे कल जिनको शहीद किया गया, और फिर उसके बाद वो तस्वीर बच्चे को उठाए हुए फिर रहे हैं। ड्रामेबाजी किस बात और ऑब्वियसली जिस तरह से बात हो रही है कि ये जो सच होता है वो हमेशा पूरी दुनिया देख सकती है और झूठ जो है वो जितना मर्जी आप छुपा लें वो फिर झूठ झूठ ही होता है। तो ये इसके लिए हमारी तो खुली ऑफर है, यूएन के ऑब्जर्वर्स आएँ और देखें कि एलओसी पर क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, और जो सच है वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आप यूएन ऑब्जर्वर्स आते हैं और रिपोर्ट बनाकर फिर वो यूएन में पेश करें उस पर बात हो तो ये होना चाहिए। यानी बस ये सब जुल्म है, ये इंशाल्लाह जल्द जो है ख़त्म भी हो जाएगा, दुआ है हमारी, इसके साथ कोशिश भी हमारी जारी है। एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलेंगे। वेलकम बैक जी, और जिस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त जैसे ही बजट पास होना था उससे पहले और उसके बाद में सियासी जहरात खूब हमें हाई नज़र आया, और उसमें चाहे अपोजिशन हो चाहे वो इतिहादी जमातें हों, दोनों ही जो पाकिस्तान तरीके साहब हुकूमत है उस पर खूब अपने अपने उन्होंने तहफ़ात का इजहार किया। तो बिलावल भुट्टो साहब जो कि लाहौर में आए हुए थे उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बार फिर उन्होंने वज़ीर आज़म को मुनाजरे का चैलेंज किया और उन पर वही बात की कि -1 अगर हो जाए जो कि इमरान खान है तो फिर मामला ठीक हो सकते हैं, जबकि साथ MQM जो कि इतिहादी है उसको भी तहफ़ात थे, उन्होंने कहा कि खोदा पहाड़ चूहा निकला भी नहीं निकला, वो भी नहीं निकला, चूहा भी नहीं निकला। ये फारूक सत्तार साहब ने कल कहा, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कप्तान पर वो जिसे कहते हैं ना कि अगर क्रिकेट की जबान में हम बात करें तो तेज बाउंसर जो हैं वो फेंके हैं, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है कि मुस्तमिक नून जो है वो अपोजिशन का भरपूर साथ देगी। तो इसका मतलब कि ये एक तो आप गवर्नमेंट अगेंस्ट अपोजिशन है और अपोजिशन में भी दो ग्रुप हैं जो एक दूसरे के ऊपर शायद मुकम्मल तौर पर ट्रस्ट नहीं रखते, और यही वजह है शायद कि इसको आप असेंबली के फोरम पर नहीं लेकर जा रहे बजाय इसके कि आप डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या मनाजरों पर बात रख रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कल गुफ्तगू की पहले आपको वो सुनवाते हैं। चैलेंज नहीं मानते, डिबेट का चैलेंज तो कहां मानेगा बुज़दिल इमरान, एक ग्लोबल वबा के दौरान उनको सड़कों पे निकलना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा, इस वज़ीरे आज़म को, इस कठपुतली को वज़ीरे आज़म हाउस से खींच के बाहर फेंकना पड़ेगा। उंगली पे के इशारे पे नहीं चलते, ना अंपायर के इशारे पे चलते हैं, हम अवाम के इशारे पे चलते हैं, हमें जमहूरी अवामी हुकूमत दो जो हमारे मसाइल का हल कर सके। सबसे तारीखी मुनाफिक जो हमारा वज़ीरे आज़म है इमरान साहब, इमरान खान साहब रहा है, तारीख में इतने ज्यादा NROs नहीं दिए गए जितने इमरान खान ने दिए। सबसे पहला NRO इमरान खान ने अपनी बहन को लीमा खान को, बजट एक स्पेसिफिक लीमा खान की पोर्शन था उनका पहला बजट में, ताकि लीमा खान साहिबा को NRO मिले, जो वो पहला वजीर आजम है जिसने मोदी का इलेक्शन कैंपेन चलाया, पहला वजीर आजम है जिसने कहा कि अगर मोदी इलेक्शन जीतता है तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। ये इस हद तक पहुंच चुके हैं कि मैं महसूस करता हूं कि PTI की हुकूमत सदर जरदारी को
कत्ल करना चाहते हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा वो भी आपने देखा, और उन्होंने यही बात एक बार फिर की इमरान खान साहब को, उन्होंने चैलेंज किया है कि वो मेरा सामना नहीं कर सकते। लेकिन चले, ये तो अपोजिशन है, इन्होंने तो तनकीद करनी है। मामला एक और बिगड़ता है जब आपके इतिहादी, जिसमें MQM आपकी विफाक में इतिहादी है, वो भी खासी परेशान नज़र आती है, और उन्होंने भी कहा है कि आप NFC अवार्ड लेकर आएँ और 18वीं तरमीम की बात ना करें, करें कौमी सतह पर क्रेडिट की बात ना करें। आप और ऑपोजिशन मिलकर अच्छे पैकेज आवाम को रिलीफ और उम्मीद दें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये दावा कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये तदब्बुर नहीं, ये तकब्बुर है। वैसे ही आपकी कलई खुल गई है, दावे इतने बड़े, खोदा पहाड़ उसमें से चूहा भी नहीं निकला। अगर चूहा भी निकलता तो आज कौम को उम्मीद होती। अगले इंतखाबात की बातें आसान है, अभी बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, पंजाब में बल्दियाती इदारे भी नहीं हैं, उनके इख्तियारात का मामला भी है। तो इंतखाबात बल्दियाती हों, कोरोना से निपटेंगे तो बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जाएंगे भाई, कोरोना से निपटेंगे तो कौमी इंतखाबात की तरफ जाएंगे। तो बातें आसान हैं, लेकिन कौमी मशावरत के बगैर कौम को इस दलदल से, इस बहरान से निकालना मुमकिन नहीं। जी, तो फारूक सत्तार साहब काफ़ी गुस्से में भी कल नज़र आए और उन्होंने वो तमाम बातें कहीं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर तज़ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है सलीम साहब, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा सलीम बुखारी साहब, सबसे पहले तो इन दोनों चीजों के ऊपर और इन दोनों इश्यूज के ऊपर तो हम आएंगे, लेकिन एंक्लाइटर एंक्लाइटर नोट का क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ऐसा क्यों होता है कि वज़ीर-ए-आज़म एक स्टेटमेंट देते हैं और फिर एक या दो दिन बाद उनको अपनी ही स्टेटमेंट की वजाहत देना पड़ती है, जिसको वो वर्ड्स चेंज कर देते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक दफा उन्होंने कहा कि मेरे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, फिर अगले दिन असेंबली में आके उसकी वजाहत दे रहे थे कि कुर्सी में हुकूमत गिराई जा सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, -1 भी हो गया, फिर उन्होंने -1 का जिक्र भी कर दिया, फिर उनके माजी के बयानात के तजादात भी देख लें तो वो एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर गवर्नमेंट का भी जो रिसेंट डिसीजन था पेट्रोल की प्राइसेस जो बढ़ा दी, अब उस पर भी गौर हो रहा है कि 10 रुपए कम कर देंगे, अवामी रिएक्शन पहले चेक किया फिर अब उसको मोल्ड कर लेंगे। ऐसा क्यों होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, वज़ीर-ए-आज़म के बयानात हो, कोई प्लानिंग हो, हमेशा या तो मोल्ड कर दिया जाता है या एक्सप्लेनेशंस दे दी जाती है? सिमन मुझे इजाजत दीजिए, हमारे एक बहुत ही सीनियर साथी तज़ज़ियाकार हैं जनरल अहमद शुएब साहब जी, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात कही थी प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में। वो कहते हैं कि वो हमेशा बगैर सोचे समझे बोलते हैं और फिर अगली 2-3 तकरीरों में उसमें कही हुई बातों की वजाहत करते रहते हैं। ये मेरे ख्याल से उनका इतना सही कोटेबल कोट है कि हमने देखा जब भी वो कोई बयान देते हैं पार्लियामेंट में तो बहुत कम बोलते हैं, खैर मेरे ख्याल से पिछले साल में 2 दफा बोले हैं, लेकिन जब भी कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या कौम से खिताब करें तो फिर उसके बाद 2-4 दफा उसकी वजाहतें जरूर करते हैं। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, और उनका ख्याल ये है कि बगैर होमवर्क किए जब भी कभी कोई बोलेगा तो उसका यही नतीजा निकलता है। अब आ जाइए आप, ये जो आज आपका मौजू है, देखिए जो बिलावल भुट्टो की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं उसको इसलिए जस्टिफाइबल कहता हूँ क्योंकि पूरी वफाकी हुकूमत ने और पूरी PTI की सिंध की क्यादत ने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को सिंध में टारगेट किया हुआ है। आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है, सवाए इसके और कोई चीज उनको मिलती नहीं है, जिसको देखें लठ लेके दौड़ पड़ता है वो। लिहाजा उधर से रिएक्शन जो है ये एक नेचुरल बात थी, और कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद फिर उन्होंने कहा था मैं आके लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, जो कि सियासत का भी गढ़ है और यहाँ पर भी PTI की हुकूमत है। जितनी उन्होंने बातें की हैं वो इस लिहाज से बिल्कुल ठीक हैं कि हुकूमत से ना तो गवर्नेंस हो पा रही है, ना मईशत ठीक हो रही है, और ना ही पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो उनके काबू में है। इंसाफ का नारा लेके आने के बाद उन्होंने इंसाफ का जो तमस्खुर खुद से उड़ाया है, या यूं कह लीजिए जो तमस्खुर उड़ रहा है, क्योंकि वो यकतरफा इंसाफ जो है उसको सियासी इंतखाब कहते हैं, क्योंकि हुकूमत के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उनके भी कोई 65 के करीब लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं, जिन पर रेफरेंसेस हैं, जिनके ऊपर मुकम्मल केसेस हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। जो चेयरमैन नैब है उनकी हालत जो है वो हालत ज़ार में कहूंगा, वो हमारे सबके सामने है, जो ये कहे कि मैं अगर हुकूमती बंदों को हाथ लगाऊंगा तो ये हुकूमत 10 मिनट में गिर जाएगी, उसके ऊपर तरह सिखाया जा सकता है।
दूसरी बात यह है कि जो इश्यूज हैं पॉलिटिकल वो तो अब मुंह फाड़े खड़े हुए हैं सामने। बुखारी साहब आपने कहा इश्यूज पॉलिटिकल मुंह फाड़े खड़े हैं, मतलब ये सबको वाजे है, अपोजिशन को भी नजर आ रहा है, आवाम भी ऑब्वियसली थोड़ी सी परेशान हो गई कि क्यों नहीं वादे पूरे हो सके, क्या मामलात हैं, तो फिर परेशानी क्या है? अगर बात की जाती है माइनस वन की तो उसके लिए आईनी तरीका कार इख्तियार कर लें, तरीके एतमाद लें, लेकिन ऐसे क्यों लगता है कि अपोजिशन में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी में ट्रस्ट डेफिसिट है, एक दूसरे पर अंदर से एतमाद नहीं है? क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में जो हुआ सादिक सिंजानी की दफ़ा वो आपको याद होगा, तो आपको लगता है कि ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से इमरान खान की हुकूमत को टाइम मजीद मिल रहा है? आपने अपनी इस गुफ्तगू में एक इशारा किया है सेनेट के इलेक्शन की तरफ, वो मौजूदा कैसे हुआ था वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उनको अल्फाज न दे पाए जी। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि जो मुख्तदर हलके हैं या यूं कह लीजिए जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते जी, हैं जी। वो चूंकि अभी भी इमरान खान साहब के साथ है और वो बवांगे दोहल इसका इजहार भी करते हैं कि सिविल हुकूमत और फौज जो है वो एक पेज पे है, तो इसका मार्जिन उनको मिल रहा है। लेकिन पोलिटिकली अगर आप देखें तो बैंक्रप्सी है, इसलिए कि पार्लियामेंट के अंदर सिवाय इस रेटरिक के जो हम पिछले दो साल और उससे पहले डेढ़ साल की इलेक्शन कैंपेन के दौरान से सुन रहे हैं, पुराना नहीं है, सारी दुनिया को पता चल गया, आपने पूरी अपोजिशन को जेलों में डाल दिया है, उनके खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं, चलने दीजिए ना अदालतों को, उनको हैंडल करने दीजिए, आप तो परफॉर्म करके दें। बिल्कुल ठीक। अपनी जो बैड गवर्नेंस है, जो अपनी बैड परफॉर्मेंस है, उसको आप सिर्फ इस नोहों में और मर्सियों में तो नहीं छुपा सकते। अब चूंकि पूरी दुनिया पे वाजे होता जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम जान रहे हैं, पिस रहे हैं, एक मसला मुझे आप बता दीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, जो जब ये आए थे तो उस वक्त था और अब हल हो गया है। सूरत हाल ये है कि जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक है पहले से बदतर सूरत हाल में है आज का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सलीम बुखारी साहब, और ये बात भी आपके बिल्कुल बजा है कि जस्टिफिकेशन ये नहीं है कि मुल्की मसाइल हल नहीं हो रहे तो देखें हम एहतसाब कर रहे हैं, हमने करप्शन खत्म कर दी, करप्शन भी खत्म नहीं हुई, बेजाबतगियां भी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी जो रिसेंट ऑडिट रिपोर्ट आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, करप्शन भी बढ़ी है, बेजाबतगियों की भी बढ़ोतरी देखने में आ रही है, जो रिपोर्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए हैं। अब ये बात किस तरह जस्टिफाई करेगी गवर्नमेंट? ना करप्शन कंट्रोल कर सकी, ना अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर तरीके से हो सकी, क्योंकि जेलों में तो डाल दिया लेकिन नतीजा तो कुछ नहीं निकला, रिजल्ट्स तो नहीं आए, फैसले तो नहीं हुए, वो उसको प्रोलॉन्ग ही कर रहे हैं, इस तमाम चीज को आप कैसे देखते हैं? फिर इत्तेहादी भी नाराज हो रहे हैं। ये जो आपने आखिरी बात कही ना इत्तेहादियों वाली, ये उसी वक्त होता है जब हुकूमत जो है वो डिलीवर करने में नाकाम हो जाती है, जो वादे किए हुए हैं उनसे हट जाती है। जितने वादे इमरान खान साहब ने किए थे हर एक के एंड के ऊपर एक अदद यू टर्न खड़ा हुआ है, लिहाजा जितने उनके इलेक्शन कैंपेन के नारे थे वो सारे तो मेरे ख्याल से दफन हो चुके हुए हैं, और यही वजह है कि इत्तेहादी अब शेकी है। आप देखिए चार बड़े इत्तेहादी हैं और उन्हीं के वोट पर यह हुकूमत कायम है, खास तौर से मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ इस बात को, यानी मैंगल साहब के चार वोट ले लीजिए, एमक्यूएम के दो वोट ले लीजिए, कुछ चार पांच जो है वो काफ लीग के हैं, तीनों ही बड़ी जमातें, और जमहूरी वतन पार्टी का भी आपको पता है वो भी कल फारिग हो गई है, उनसे अलहदा हो गई है। तो ये जो 11 मांगे के वोट हैं अगर यही डिस्टर्ब है, अगर यही इस वक्त आवाजें बुलंद कर रहे हैं तो ये हुकूमत खड़ी कहाँ है? बिल्कुल। और ये सब जो चैलेंजेस हैं इमरान खान साहब को शेकी हैं, इसीलिए कभी वो कहते हैं कि मेरे सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, कभी वो कहते हैं माइनस वन नहीं होगा, कभी वो एक अजीबोगरीब बात उन्होंने कल फिर दोहराई है, वो ये कि ये चाहते हैं मैं इन्हें एनआरओ दे दूं और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अपोजिशन के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो इमरान खान साहब करा रहे हैं। बिल्कुल। और फिर ये भी नफी हो जाती है कि नैब जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। एक जुमला अगर आप इजाजत दें मुझे, एक जुमला ये कि मैं बीसियों बार अपने प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब एनआरओ देना आपके बस की नहीं है, ये कोई और दिया करता है। बिल्कुल। लेकिन उनको ये बात इतनी आसानी से समझ नहीं आ रही है। तो जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो इश्यूज उठाए गए हैं, मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि कश्मीर के मामले में आपने तो मोदी की कंपेन चलाई थी, क्या गलत है इसमें? क्या इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा था कि अगर मोदी इलेक्शन जीत जाएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? दूसरी बात यह है कि ये जो हिंदुस्तान जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना है, इस पर उन्होंने कहा कि वो पहले भी तो बनता था भाई, बिल्कुल बनता था पहले, लेकिन पहले ना तो आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था, ना आर्टिकल 15 ए रिवोक हुआ था, ना कश्मीर के बुखारी से उसमें तो टर्न बाय टर्न है ना, नेक्स्ट अप टर्न पाकिस्तान की भी आएगी। देखिए ना कश्मीर के लोग जो है डेढ़ साल से लॉकडाउन में थे,
तो ये तो नई सूरत हाल थी, इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस दिखानी है। आप खामोश होकर बैठ जाएंगे तो कश्मीर की लीडरशिप से पूछे वो क्या कह रही है इस वक्त पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब। और जिस तरह से तफसीलन उन्होंने बताया कि सिचुएशन है क्या, और हुकूमत के लिए भी परेशान है, अपोजिशन तो तनकीद कर रही है, परेशानी का बाइस ये बन गई कि अब इत्तेहादी जो हैं वो भी आपके साथ पूरी तरह साथ नहीं दे पा रहे, नाराज भी नजर आ रहे हैं और स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही हैं, कुछ जेस्चर्स भी सामने आ रहे हैं कि इत्तेहादियों को मनाने का टाइम अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, अदरवाइज ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज और मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कोरोना क्राइसिस है और सबसे आगे जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हमारे वो हैं हेल्थ कम्युनिटी से रिलेटेड है, तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज और स्टाफ जो कि तमाम वहाँ पे हेल्प करता है। अब जब इनको प्रॉब्लम्स होंगी, इनके मसाइल जब हल नहीं किए जाएंगे तो तमाम जो प्रॉब्लम्स दूसरे हैं वो सेकेंडरी हो जाते हैं। अगर आप अलाउंसेज, अगर आप जो किट्स हैं, जो हिफाजती इकदाम हैं, अगर आपने इनके लिए नहीं करने हुकूमत ने तो फिर किसके लिए करने? तो ऑब्वियसली फिर एहतजाज भी होगा, बात भी होगी और फिर डॉक्टर्स जो हैं वो सराप एहतजाज कल भरपूर नज़र भी आएंगे। आप सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं, आपको याद होगा अबूजर कल हमने ये जिक्र किया था और एक इशू डिस्कस किया था नर्सेज के हवाले से, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इशू रेज हो रहा है लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई मुजाकरात के लिए नहीं आ रहा। ऐसा ही अब लाहौर में भी देखने में आ रहा है, बल्कि वाईडीए की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कल जनरल हॉस्पिटल में जब प्रोटेस्ट किया गया तो उन्होंने ये ऐलान किया कि किसी मशीर, किसी ब्यूरोक्रेट और किसी भी वजीर का इलाज हम नहीं करेंगे क्योंकि कोई हमारी तकालीफ नहीं समझ रहा ना सुन रहा है। फिर उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि सूबाई वजीर हेल्थ डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कितनी मरतबा इस कोरोना क्राइसिस में हॉस्पिटल्स का दौरा किया है, क्या कहना था उनका, क्या मुतालबात हैं उनके, उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ चेयरमैन वाईडीए डॉक्टर अमार यूसुफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी डिसअपॉइंटमेंट के लिए बता दूं कि आपको ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी किसी वजीर, मशीर या किसी ब्यूरोक्रेट का इलाज करने के लिए क्योंकि वो सरकारी अस्पतालों में जाना गवारा नहीं करते, तो वो मुतालबा तो आपका वैसे ही पूरा नहीं हो सकता। अब क्या है आपके मुतालबात, क्यों आप लोग सरापा एहतजाज हैं, इस पर आते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमान, सबसे पहले शुक्रिया आपने मौका जाने की कोशिश की। थोड़ी सी बात से मैं आपको निगेट करूंगा कि ये वजीर सेक्रेटरी आते हैं अस्पताल में आते हैं? लेकिन अच्छा। किसी को पता भी नहीं चलता क्योंकि वो उनको रिसीव भी प्रिंसिपल साहब करते हैं, उनको चेक प्रोफेसर साहब करते हैं और वो जो एक जनरल प्रोसीजर होता है हॉस्पिटल आने का, ट्रीटमेंट करवाने का, वो उससे बाला तलों के चेक करवाते हैं। तो हमने जो बात की, हमने किसी बेस पे बात की है कि हम आज के बाद मैडम आप यकीन करें कि इनके जब आते हैं ना, इनकी पर्ची पे, इनकी स्लिप पे काफी लोग आते हैं कि हम सेक्रेटरी के मुलाजिम हैं, हम सेक्रेटरी के ड्राइवर हैं, मैं सेक्रेटरी का कुक हूँ, मैं उसका रिश्तेदार हूँ। तो ये तो मतलब हमारे लिए तो एक वबाला जान बन चुका होता है जब हमें पता लगता है कि सेक्रेटरी से कोई चेक प्रोटोकॉल अलग से देना पड़ता है। और लिटरली यकीन करें पूरे हॉस्पिटल की जो मशीनरी है उस वक्त लग चुकी होती है, वर्कर भी मतलब उनके, वो तो एक अलग सेपरेट। हमने तो अलायंस में किया है, स्टेट में हमने किया। हमारे उस दिन डॉक्टर आतिम अली चौधरी हैं, पैटर्न चीफ आईडी पंजाब जी। वो सेक्रेटरी गए, उनको धक्के देकर निकाल दिया गया। अच्छा। हालांकि उस इमारत में डॉक्टर जाते हैं अपने काम के लिए, मरीज नहीं जा रहा। लेकिन वो मैंने वीडियो देखी थी जिस तरह से वो इंटरव्यूड कर रहे थे, जाने की कोशिश कर रहे थे, वक्त नहीं लिया हुआ। आप अगर किसी भी बिल्डिंग में, सरकारी बिल्डिंग में आप कहेंगे मैं दफ्तर के अंदर जाना है, बात करनी है, तो वो तरीका का वक्त लिया हुआ था उन्होंने, टाइम उनकी बात हुई हुई थी। जो शाम को प्रेस रिलीज आई है सेक्रेटरी की तरफ से वो हकीकत नहीं थी। देखें आप अपने डॉक्टर का इशू लेके जा रहे हैं, इस पैटर्न चीफ आईडी पंजाब, उसने बार बताया कि हमारी मीटिंग है, हम आए मिलने के लिए, लेकिन चूंकि अफसर शाही है उन्होंने अंदर जाने दिया। हमारे साथ बताएं कि इशू इस वक्त आपका हेल्थ अलाउंसेस का मसला है, आपके किट्स का मसला है, फैसिलिटीज नहीं है, क्या इशू है, मेन इशू क्या है? सबसे बड़ा देखिए रिस्क अलाउंस को भी अगर हम थोड़ा सा पीछे कर दें, सबसे बड़ा जो मसला कोरोना में आ रहा है वो हमें आ रहा है सिक्योरिटी का। इस वक्त जो एक नेगेटिव प्रोपोगंडा हमारे खिलाफ किया गया सोशल मीडिया टीम पे एक्टिवेट करके, जहां से भी किया गया, डॉक्टर टीके लगा रहे हैं, पैसे लेते हैं, टीके लगाते हैं, मतलब कि देखें हम तो मरीज को चेक करते हुए भी, मतलब हम चेक कर रहे हैं, हम अद्विया दे रहे हैं और यकीन करें हम तो चीज़ें मंजर आम पे लेके आते नहीं। पता नहीं कितने लोग हमें गालियां निकाल के, गिरेबान पकड़ के चले जाते हैं कि हमारा मरीज मार दिया। हालांकि अगर आपको मैं कोई ये नहीं दिखाता, कोई ये नहीं देखेगा कि कितने मरीज बच भी रहे हैं, क्या मतलब जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब एलजीआर के स्टैट की बात करूँगा तो ऑलमोस्ट 99 पेशेंट्स जो आए थे वो आईसीयू में हमारे पास आए थे कोरोना में। तो हमारे पैमोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान मलिक साहब हैं, सप्तैन साहब हैं, हमारी पूरी टीम है, एनएससीजीआर और जो टीम ट्रीट कर रही है, और ऑलमोस्ट जो सिर्फ वो उसमें से तकरीबन जो आईसीयू में आता है वो आता ही सीरियस पेशेंट है और उसमें से तकरीबन 95% पेशेंट रिकवर्ड हुए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल पाकिस्तान के फिगर्स की बात करें तो 1 लाख
802 लोग रिकवर्ड हो चुके हैं माशाल्लाह। अब आ जाते हैं आपके, एक तो सिक्योरिटी का इशू हो गया, हिफाजती किट्स वगैरह अवेलेबल हैं कोरोना के अगेंस्ट? आपको स्टेट में कहता हूं, चाहे इस पे मैं हर चैनल पे कह चुका हूं, जो किट्स प्रोवाइड की गई ना एनडीएमए की तरफ से वो किट्स मेयार के मुताबिक नहीं है। अच्छा, जो मास्क प्रोवाइड किए गए एनडीएमए की तरफ से, वो मास्क बाहर के कंट्रीज में उनको दिए जाते हैं जो लोग जाके सेंट्री वर्कर्स हैं, वो मास्क आपको हेल्थ प्रोफेशनल्स को दिए गए हैं। क्वालिटी ठीक नहीं, क्वालिटी ठीक नहीं है। जो इन्होंने जो इंतजाम एनडीएमए ने करके दिए, वो इंतजाम उसके मतलब बिल्कुल बरक्स हैं। मतलब हमें तो लोग डरते हैं बात करते हुए कि एनडीएमए के खिलाफ बात करें, पता नहीं हम किस महकमे के खिलाफ बात करें, लेकिन हम तो हम जो है ना वो मैं सच्ची बात इंसान करनी चाहिए कि इन्होंने सामान जो दिया ना, ये तो अल्लाह भला करे हमारे डॉक्टर्स का, हमारी अपनी काविशों का और हमारी कुछ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का भी, जिसने ठीक है। मतलब आपने अपने तौर पे ही कर लिया। हमारा सब एक इशू है कि वाईडीए की जानिब से आपने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऑब्वियसली सिर्फ वाईडीए तो नहीं है, डॉक्टर्स और भी सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, पूरा स्टाफ है, दीगर भी हैं, बाकी डॉक्टर्स की तरफ से भी इशू उठाया गया है? अगर उठाया गया, ऑब्वियसली हमने देखा है वो भी कह रहे हैं कि मसाइल हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म पर होकर आप लोगों ने एक बात की डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से कि वो बात करें, या सेक्रेटरी हेल्थ से बात की हो प्लेटफॉर्म पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बात करके ऑब्वियसली मामला खराब हो जाता है। मीटिंग्स हुई हैं कोई इस मामले पर? इस पर देखिए जी, इस पर मीटिंग्स हुई, इस पर धरना हुआ सेक्रेटरीट के अंदर, इस पर 12 मीटिंग्स हुई, रिस्क अलाउंस की बार बार बात की गई। उसके बाद सिक्योरिटी बिल अभी का नहीं, सिक्योरिटी बिल आज से जब रहीमिया खान का इशू हुआ था, जब एक डॉक्टर साहब पे हरेसमेंट का कोशिश की गई थी, तब से इशू चल रहा है। मैडम यास्मीन राशिद से सिक्योरिटी बिल मैंने लिखा है बैठ के, सिक्योरिटी बिल की मीटिंग मैंने अटेंड की, हनीफ पताफी साहब के साथ मीटिंग हमारी हुई पहले, फिर हमारी राजा प्रसाद, हाँ जी, उसका प्रॉपर एक बिल है, पूरा पूरा बिल है उसके अंदर। और उस बिल में अल्लाह का शुक्र ये है कि हमने ये बात है कि हमने अपनी सिक्योरिटी की बात की, हमने पेशेंट्स की भी सिक्योरिटी की बात उसके अंदर की है, लेकिन वो बिल आज तक असेंबली के फ्लोर पर नहीं पहुंच सका। ठीक है, सब कुछ ड्राफ्ट तैयार हुआ है। ऐसा क्यों है वो? मैडम इसलिए है कि सिर्फ डॉक्टर, उनको हॉस्पिटल एनवायरमेंट्स का पता है। मुझे याद है बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि लवाहिकीन जब तोड़फोड़ पर आते हैं तो बाकी मरीज जो है वो सफर करते हैं। वो शालीमार हॉस्पिटल वाला आपको याद होगा, पीआईसी वाला भी आपको याद होगा, तो ये इंसिडेंट्स तो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं ना। शी इज हरसेल्फ अ डॉक्टर। डॉक्टर यास्मीन राशिद से आपकी, मैडम यास्मीन राशिद का मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी, उनके जिंदगी में दो ही मकसद हैं जो वजीर बन के मैंने देखे हैं। एक उनका, उन्होंने हर उस बंदे को चुप कैसे करवाना जो अपने हक की आवाज उठाता है, और दूसरा मकसद उनका सिर्फ ये है कि हमने जो है वो एमटीआई जो निजकारी का निजाम वो कैसे लेके आया। अच्छा, लेकिन अगर वो आप नहीं सुन रही हैं तो अपोजिशन की मदद लेने, वो भी काफी बोलते हैं, वो क्यों नहीं ले आते फ्लोर पे ये मामला? सर आपने इस हुकूमत का वतीरा देख ही लिया, मतलब कि अपोजिशन ने अगर बात कर भी ले, क्योंकि वाईडीए पंजाब एक गैर सियासी जमात है, हमने कभी भी किसी पॉलिटिकल जमात की नजर नहीं करना, हमने मतलब वो हम सपोर्ट नहीं करते, हम अपने ही हक के लड़ते हैं, चाहे वो नून लीग, हमारी लड़ाई रही है नून लीग से, बिल्कुल तभी से वाईडी तो एक्टिव भी तभी हुई थी, और अब भी हमारी लड़ाई, मुझे याद है आपका 11 से 12 दिन का भूखा हड़ताल है, बिल्कुल। देखिए वो हमारा वो भी था, हमने इनके जो हमारे देखें बात करेगा कल, हालांकि सेक्रेटरी हेल्थ ने एक बयान दिया जी, कि जो हमें पता चला मुकालमा हुआ कि सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा जी कि ओपीडीज और इलेक्टिव भी ना, अभी हम पीक पर चल रहे हैं क्योंकि वी आर स्टैंडिंग एट द पीक ऑफ द कोरोना। हमने उनकी बयान की वो अच्छा, हाँ अच्छा समझा कि अच्छी बात है, आपने सही बात की, सही है। बट आई रियली होप कि आपके ये तमाम मुतालबात जो है वो एक्चुअली सुने भी जाएं, क्योंकि हमारे लिए आप लोग काबिले इज्जत भी हैं, काबिले एहतराम भी हैं, तो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत से रखे, फ्रंट लाइन पर आप लड़े, टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ जी, हेडलाइंस जानिएगा, फिर दोबारा हाजिर होंगे। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आप कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान की मईशत में रुपए की कदर की, और जिस तरह से हमारा पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू हो रहा है, हमारा रुपया उसकी कदर कम होती जा रही है, उसी तरह से हमारी मईशत का ग्राफ भी नीचे आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम खत्ते में रुपए की कदर की बात करें तो आई थिंक सबसे लोएस्ट जो है, अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्री की बात करें, वो चाहे बांग्लादेश हो जाए, इंडिया हो जाए, चाइना हो जाए, अफगानिस्तान हो जाए, उनमें रुपये की कदर जो है वो सबसे कम है। और इस साल में जो रिपोर्ट आई है, पूरे साल में डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर 8 रुपये कम हुई है। बिल्कुल, अब मामला ये है कि अब डॉलर जहाँ पर बढ़ रहा है रोज़ बरोज़, कुछ दिन के लिए रुका 3 महीने में, लेकिन अब फिर से एक बार फिर उसने उड़ान भर ली है। अब ये उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा ना होगा, क्योंकि इसकी वजह से फिर कर्जे भी बढ़ जाएंगे, और इसके अलावा जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं उस पर भी असर पड़ता है, इसके अलावा हमारी जो मईशत है लोकल मार्केट में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डीप होता है। इसलिए ये तमाम मामलात हैं जो कि इकॉनमी, फिर इन्फ्लेशन, इससे सारे एक दूसरे से अटैच होता है, तो ये जब एक चीज़ महंगी होगी तो फिर वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका बढ़ता जाएगा। इस पर बात करेंगे, हमारे से मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद
सिद्दीकी साहब इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे हम तफसीलन बात करते हैं कि ये मामला है क्या। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि डॉलर एक तो बढ़ रहा है, फिर उसकी रफ्तार भी तेज़ होती जा रही है बढ़ने की, वजह क्या नज़र आती है आपको? बहुत शुक्रिया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं दो तीन इब्तदाई बातें आपको बता दूं, लोगों को बहुत दिलचस्पी हुई इसमें। जी जरूर। जब पाकिस्तान बना था तो एक डॉलर था 3.30 रुपये का, अब जो है वो 168 रुपये पर आ गया, आपने देखा जी। लेकिन जो ज़्यादा तबाही आई है वो 2008 में अगर आप चले जाएँ तो एक डॉलर 68 रुपये का होता था, 68 रुपीज़ का, आज ये 168 का है। इसका मतलब ये है कि 12 बरसों में 100 रुपये एक डॉलर में हमारे गिर गए। ये है वो तबाही की दास्तान और ये सफ़र जारी है, खुदा न खास्ता नज़र आ रहा है कि चलता चला जाएगा। लेकिन अगर पिछले 2 बरसों में देखें तो ये गिरे हैं 44 रुपये, यानी 22 रुपया एक फी डॉलर एक साल में। इस साल जैसे आपने खुद बताया कि हमारा तो 8.05 रुपये गिरा है एक डॉलर में, लेकिन बांग्लादेशी टका जो है वो सिर्फ निसफ गिरा है, 0.5। और भारत का इसी तरह से है, तो हम इतना नीचे क्यों जा रहे हैं, ये तो परेशानी की बात बिल्कुल है। बिल्कुल। और आपने बिल्कुल ये बता दिया कि इसके असरात नेगेटिव होते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आवाम को जब तक आप सही बात ना बताएं, इसी से ताल्लुक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अभी कहा गया कि पाकिस्तान में तेल की कीमतें सबसे कम हैं जी। तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हमें पता है कि जब 100 मिलियन की हम इम्पोर्ट करते हैं तो भारत का चूंकि 76 रुपये का है तो वो 7,600 रुपये में पड़ता है, बांग्लादेश जो का टका में पड़ता है 8,400 का और हमारा पड़ता है 16,800 का, तो आप तो दुगना वैसे ही इम्पोर्ट कर रहे हैं जी। रुपए आपका गिर गया, फिर उस पर आप टैक्स लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये समझना होगा कि अगर हमारा खुदा ना खास्ता ये रुपया गिरता रहा तो हमारी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहेंगी, बिजली की बढ़ेंगी, गैस की बढ़ेंगी, तमाम इम्पोर्टेड अशिया की बढ़ेंगी, जिससे महंगाई आएगी, सनतों की पैदावारी लागत बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे, दालें सब्जियां गोश्त बढ़ेंगे, ये तमाम खराबियां आती चली जाएंगी जनाब। शाह साहब ये देखिएगा, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि रुपए की कदर जब कम होगी तो बाकी चीज़ें महंगी होती जाएंगी और फिर गवर्नमेंट उसको जस्टिफाई नहीं कर सकेगी। लेकिन यहाँ पर ये भी देखिएगा कि गवर्नमेंट के ऊपर जो कहा जा रहा है कि 2 सालों में इन्होंने जितने कर्जे लिए वो तारीखी बुलंदतरीन सतह पर हैं, तो ये भी तो इसलिए बढ़ गए कि कहाँ डॉलर की कीमत पिछले दौरे हकूमत में अराउंड 100 थी, अब 168 के अराउंड काफ़ी अर्से से कर रही है। तो डॉलर जब बढ़ा यानी कि रुपये की कदर कम हुई तो हमारे गर्दिशी कर्जे भी बढ़ गए, हमारी जितनी चीज़ें बाहर से आती थी उनकी कीमतें भी बढ़ गईं, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी और ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहां निकलेगा, गरीब आवाम पर। लेकिन यहां पर हम ये कहते हैं और मैंने बहुत से गवर्नमेंट लोगों को भी ये जस्टिफाई करते हुए सुना है, आपने कौन से डॉलर लिए हुए हैं कि डॉलर कम ज्यादा हो रहा है तो आपको फर्क पड़ रहा है, ये आम आदमी के ऊपर कितना इफेक्ट है एज एन इकोनॉमिस्ट आप जरा बताइएगा। देखिए, आपने बहुत ही अहम नुक्ता इसलिए उठाया है कि इस सवाल का ताल्लुक 22 करोड़ अफराद से है। देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया, आप जिस वक्त रुपया गिरता है तो सबसे पहले तो जो आपकी पेट्रोल की कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं, और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का मतलब है ट्रांसपोर्ट के किराए, दालें सब्जियां गोश्त हर चीज़, बिजली के नर्ख, गैस के नर्ख और सनतों की पैदावारी लागत आपकी बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ती है, जिससे फिर आपकी बरामदात मुतासर होती हैं, फिर जो कर्जे हैं, अगर आपका जैसे 8 रुपया गिरा तो 100 अरब डॉलर के कर्जे तो 800 अरब कि ये कर्जे आपके बढ़ गए रुपीज में, और जो कर्जों की अदायगी के लिए रकम दरकार होती है वो होगी तो उससे बजट खसारा बढ़ेगा, बजट खसारा जब बढ़ेगा तो आप कर्जे लेंगे वो आवाम के ऊपर बोझ आ गया। तो ये एक शैतानी चक्कर में हम फंस गए हैं कि हम पेट्रोल और बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाते हैं तो सनतों की पैदावारी लागत बढ़ने से बरामदात मुतासर होती हैं, कर्जे लेते हैं, तो हमारा एक शैतानी चक्कर है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर बांग्ला जो आपको बहसियत हमारा मुल्क है आपका मुल्क है, अगर बांग्लादेश जिसको अल्लाह ताला ने हमसे कम वसाइल दिए हैं 35 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स पर बैठा है तो हमारे रिजर्व्स आज 10 अरब डॉलर से कम क्यों हैं, जबकि जब इमरान खान साहब ने हलफ उठाया था उस दिन थे 10.2 अरब डॉलर और 19 जून को 10 अरब डॉलर से ये नीचे चले गए जबकि 15 अरब डॉलर के कर्जे बढ़ गए। इसका मतलब ये है कि हमें आपको कौम को ये बताना है कि जब तक मौजूदा पॉलिसियों में आप मुकम्मल तौर पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें पॉलिसीज हैं, मैनेजमेंट है, फिर आपकी प्लानिंग है, ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें, एक तो इंटरनल मामलात हैं, इसके अलावा एक एक्सटर्नल मामला वो भी हमें देखना होगा।
जिसमें वो कहा जाता है कि IMF की तरफ से जो मामलात हुए हैं तय, उसमें ये कहा जा रहा है कि आपने डॉलर को आर्टिफिशियल होल्ड नहीं करना, जो कि नून लीग की हुकूमत में किया गया था। उसके बाद ये 100 रुपये पर 4 साल रहा, उसके बाद फिर 118, फिर 125, फिर 45 और अब 67 रुपये हो गया। अब ये मुझे आप बताइएगा कि एक तरफ तो ये आपने आर्टिफिशियल होल्ड नहीं करना, फिर जब आप फ्री मार्केट में लेके आते हैं डॉलर को, ओपन मार्केट में लेके आते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें भी ज़खीरांदोज़ी भी होती है, फिर उसकी डिमांड सप्लाई का मामला होता है, फिर स्पेकुलेशंस भी आ जाती हैं कि डॉलर 180 का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, अभी खरीद लो सारा कुछ। ये तमाम मामला भी तो अफेक्टिव हैं इस तमाम सिचुएशन को लेकर। देखिए, आपने एक अहम नुकता उठा दिया है, लेकिन ये आवाम को पता होना चाहिए। देखिए, आप फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है उसकी बुनियादी शर्त क्या होती है? बुनियादी शर्त ये होती है कि जो रेगुलेटर्स हैं, स्टेट बैंक है, ओग्रा है, नेप्रा है, ये FBI, ये तमाम इदारे खुद मुख्तार हों। जब वो इदारे कमजोर हो जाएं और वो खुद मिल जाएं, जैसे कि अभी आपने पेट्रोल की शॉर्टेज में देखा कि इदारे खुद मिल गए ऑयल मार्केटिंग कंपनी से, तो हमारी फ्री मार्केट इकोनॉमी तो डिस्टॉर्टेड है ना। फ्री मार्केट इकोनॉमी को चलाने के लिए जिम्मेदारी ये है कि इदारे काम करें जो आपके काम नहीं कर रहे। आपका टैक्सों का निज़ाम जो है वो आपके इस्तेहसाली है, आपको पता है। तो मेरा जो बात आपकी सही है, मगर इसका मतलब ये है कि बुनियादी खराबियां हमारी पॉलिसियों में है, हकूमत की, स्टेट बैंक की, सूबों की। अब मिसाल के तौर पर एक जुमला आपको बताऊं कि स्टेट बैंक जो है शरह सूद पहले बढ़ाता चला जा रहा था, उनको भी पता था कि जब तक आप इस्लाहात नहीं करेंगे शरह सूद बढ़ाने घटने से कुछ नहीं होता, तो वो तो आपकी इकोनॉमी नीचे जाएगी। अगर मेरे मुल्क की ग्रोथ पिछले साल 1.9% हुई, तो आपका कहाँ से ग्रो करेगा इकोनॉमी? तो माशी पॉलिसियों में बुनियादी इस्लाहात करें, जो कि PTI के एजेंडा जो है, मंशूर जो है, वो 100% इन मसाइल का हल फराहम करता है। तो जुमला में जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक साल में ये हालात बेहतर हो जाएं अगर उस एजेंडे पे अमल करें जो 10 साल। मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं शरह सूद कम हुई, इसको भी क्रेडिट के तौर पर ये गवर्नमेंट पेश कर रही है कि देखिए हमने शरह सूद भी कम कर दी, हम हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि एक साल में बेहतर हो जाएंगे अगर वो इन असलाहत पर काम करें, तो जरा इन शॉर्ट बताइएगा कि क्या ऐसी ट्रैक लाइंस हैं, क्या ऐसी पॉलिसीज हैं कि गवर्नमेंट अगर अडॉप्ट कर ले तो रुपये की जो डी वैल्यू होने की रफ्तार है वो कम भी हो जाएगी, हालात पाकिस्तानियों के लिए, आम आवाम के लिए बेहतर भी हो जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि आपकी सनतों की जो पैदावारी लागत है हमारी बहुत ज़्यादा है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में, और सनतकार जो है वो आपको पता है होल्डिंग भी कर रहे हैं, ज़खीरांदोज़ी भी कर रहे हैं और टैक्स चोरी भी कर रहे हैं, फिर आप उनको एमनेस्टी भी दे देते हैं। तो पहला तो ये कानून बनना चाहिए जिसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, हम 50 साल तक रोते रहेंगे। वो ये है कि आप जो भी आप मुल्क में हम आमदनी कमाता है वो उस आमदनी पर टैक्स दे दे। अभी मैं बजट देख रहा था, उसमें कुछ 1400 अरब रुपए तो टैक्स एग्जेम्पशन दे दी गई हैं, जिस पर कहा कि हम टैक्स नहीं लेंगे, किस बात की टैक्स एग्जेम्पशन? और 2300 अरब रुपए 2 साल में हमने टैक्सों का कम वसूल किया हदफ से। तो असल जो मेरे मुल्क में खराबी है वो ये है कि हम टैक्स नाफिज नहीं करते ताकतवर तबकों पर, फिर उनसे टैक्स नहीं लेते, फिर उनको एमनेस्टी दे देते हैं। तो अगर ये आप टैक्सों की वसूली बढ़ा लें और GST को फिर 15-17% से कम करके 5% पे ले आए, पेट्रोलियम लेवी को खत्म कर दें जिससे पेट्रोल की कदर 30 रुपए कम हो जाएंगे, तो आप देखेंगे महंगाई कम होगी, बरामदात बढ़ेंगी। तो बेसिकली शायद साहब आपका मतलब है कि अगर हम टैक्स का जो रेट है वो कम कर दें और सेल्स टैक्स कम कर दें और नेट जो है वो बढ़ाएंगे तो मामला बेहतर होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद साहब, आपने हमें वक्त दिया और बताया कि क्या तरीका के पास। मुझे लगता है कि ये ऑब्वियसली टैक्स की रेट्स को डिसाइड करना तो आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना असल में बहुत मुश्किल होता है कि सबसे टैक्स कलेक्ट करना। एनीवेज, उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस पर फॉलो करे और पाकिस्तान के जो इकॉनमी में इस तरह से बिगड़ती सूरत हाल है उसमें बेहतरी आए। एंड आई थिंक इस तरह के इकोनॉमिस्ट से अगर आप मशवरा भी ले लें, जो सलाहियत भी रखते हैं और पूरी एक तरह से ना विजन भी रखते हैं, तो उसमें कोई हार्म नहीं होगा, बल्कि यू विल गेट टू नो दी अदर आइडिया, एक और राह जो है वो आपके सामने आ जाएगी। इंप्लीमेंट करना ना करना ऑब्वियसली गवर्नमेंट के ऊपर होता है। एनीवेज, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, कल एक ऐसी खबर जिसने यंगस्टर्स को, पाकिस्तान के यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा मुतासर किया, जो एक्चुअली वो गेम खेलते थे। जी हाँ, मैं पबजी की बात कर रही हूँ। PTA ने आर्जी तौर पर पबजी पर पाबंदी लगा दी है। पबजी खेलने वालों के वायलेंस के केसेस और एक्सट्रीम लेवल पर अगर बात करें तो खुदकुशी के केसेस सामने आ रहे थे, जिससे मुतालिक उन्होंने कहा कि मुतादिद शिकायत आ रही थी जिस पर ये एक्शन लिया गया और पबजी को आर्जी तौर पर 9 जुलाई तक 10th को दोबारा समाप्त होने के
देखेंगे बैन कर दिया गया है। बिल्कुल, अब इसके पीछे मामला ये है कि 3 खुदकुशियां सिर्फ 1 वीक में हुई। लाहौर पुलिस ने इस गैंग को बंद कराने का फैसला किया था और जिसके बाद मुतलका इदारों को खत लिखा गया, फिर ओवरऑल इस पर जो इम्प्लीमेंटेशन हो गया पीटीए की जानिब से। अब देखना यह होगा कि इसके बाद क्या होता है और ऐसा क्यों होता है कि कोई गेम इस हद तक आपको असरअंदाज कर सकती है कि आप अपनी जान ले लें, या फिर वाकई इसके पीछे कोई और वजूहत है। हम बात करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हसन आबिद हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं पबजी गेम और इस तरह से गेम्स जो हैं इफेक्ट कितनी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हसन। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अब चंद दिन पहले भी हमने इस पर बात की थी पबजी के हवाले से जब इस तरह से वाकयात सामने आए थे। अब बताएं, अब तो बैन लग गया, बैन लगने की वजह तो सिर्फ अभी तक ये बताई जा रही है कि जो नौजवान हैं वो इस हद तक चले गए कि खुदकुशियां कर ली। ऑब्वियसली कोई और वजूहत भी हो सकती हैं खुदकुशी की, लेकिन सामने ये आई। अब आप बताएं क्या होगा इससे, नौजवान जो बाकी हैं वो बाज आ जाएंगे, वो नहीं खेलेंगे पबजी या उस जैसी गेम्स? थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक, क्योंकि मैं खुद भी एक वीडियो गेम प्लेयर हूँ, जब भी आप कभी कोई एक वीडियो गेम बैन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बच्चे वीडियो गेम्स ही खेलना छोड़ देंगे। ऑब्वियसली वीडियो गेम्स तो हजारों लाखों हैं, और अगर आप प्ले स्टेशन की बात करें जो कि बहुत ही मशहूर कंपनी बनाती है, आप सोनी वाले बनाते हैं, एक्सबॉक्स की बात करें, ये भी ऑनलाइन गेम्स हैं और इनके ऊपर भी जाके ऑनलाइन गेमिंग की जाती है और वहां पर भी बिल्कुल इसी तरह की गेम्स पड़ी हुई हैं। पबजी की तरह की गेम वहां पर है और मजीद कॉल ऑफ ड्यूटी अब मोबाइल के अंदर भी है और मजीद चीजें भी हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने बैन कर दिया है तो बैन करना हल नहीं है, कोई वे फॉरवर्ड होना चाहिए। कोई या तो आप, जिस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि स्कूल के अंदर जो है वो काउंसलिंग की जाए बच्चों की, अगर आपको कोई नजर आ रहा है, या घरों के अंदर की जाए कि अगर आपको नजर आ रहा है कोई बच्चा एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है, उसको काउंसिल किया जाए, देखा जाए कि वो क्यों इतना एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहा है गेम्स की तरफ और उसे क्यों इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है। बिल्कुल सही। तो बेसिकली हसन, फिर ये मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, ये ऑनलाइन गेम्स का जिक्र नहीं है। जैसे अभी आपने गेम्स के नाम लिए, आप यकीन करें रूल ऑफ सर्वाइवल, फ्री फायर, स्नाइपर हिट, इस तरह की ढेर सारी गेम्स हैं जो पबजी की तरह की ही हैं, और कॉल ऑफ ड्यूटी का आपने जिक्र किया, तो मैं खुद एक ऐसे ग्रुप को जानती हूँ जो पबजी प्रो प्लेयर्स हैं, तो कल एक्चुअली दे वर डिस्कसिंग कि चलो कॉल ऑफ ड्यूटी डाउनलोड कर लेते हैं, चलो VPN लगा के ये गेम खेल लेंगे। तो वे आउट तो निकाल लेते हैं लोग और खेलते भी हैं। गेम के ऊपर पाबंदी लगाना कहीं नाकामी शो तो नहीं करता पेरेंटिंग की, मेंटल हेल्थ की, टीनेज बच्चों की काउंसलिंग की, जो हम जिसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते? ऑब्वियसली बिल्कुल शो करता है। देखें, अगर आप ये जायजा लें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर 1 बिलियन से कितनी अमवात होती हैं सालाना, तो आपको नजर आएगा कि बैन होने के बावजूद बच्चे 1 बिलियन करते हैं। अब उसका हल ये नहीं है कि आप मोटरसाइकिल को बैन कर दें या सड़कों को उखाड़ दें, ठीक है ना? तो इसलिए गेम को बैन करना हल नहीं है। गेम को बैन करके आपने सिर्फ उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी है। मे बी वो लोग बच्चे जिन्होंने वो कभी ना खेली हो वो उसको खेलना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि हम VPN लगा के किसी तरह इसको डाउनलोड कर लें और उसको खेलें और देखें कि ये जो है ना क्या इसमें ऐसी खास बात है। बिल्कुल आपने सही कहा हसन। अच्छा बताइएगा कि अब ऑब्वियसली जब आपको कुछ चीज़ से रोका जाए तो आप वो भी उस तरफ ज़्यादा रागिब हो जाते हैं, लेकिन अब आप चूँकि साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने इसके ऊपर स्टडी रिसर्च की होगी, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, आपने किसी का रवैया कैसे बदलना है इसके पीछे पूरी स्टडी की गई है, लेकिन ये एक री इन्फोर्समेंट करवाना और फिर किसी चीज़ से रोकना ये भी सोसाइटी का काम है। और ऑब्वियसली अगर आप सज़ा और जजा का निज़ाम भी इसलिए है कि आपको डराया जाए या आपको रोका जाए, फिर वो किस हद तक इंप्लीमेंट कराया जाए या किस हद तक वो इफेक्टिव होता है, ये है सर क्वेश्चन। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसका ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो ना कि री इन्फोर्समेंट क्या होती है और सजा और जजा क्या होता है, कैसे बच्चों को जो है वो कंडीशनिंग की जाती है, ये जो आपने लफ्ज बोले ये बहुत गहरे लफ्ज हैं, और ये जब किसी पेरेंट को समझ आ जाता है तो वो अपने पेरेंटिंग स्टाइल को अपने बच्चे के हालात के मुताबिक चेंज करता है। देखिए, हमने बहुत बड़ा ट्रांजिशन लिया है अभी रिसेंटली, हम 80s और 90s के पेरेंटिंग स्टाइल से निकल के 2020 के पेरेंटिंग स्टाइल में मौजूद हैं, जहां जो कि टेक्नोलॉजी का दौर है। पूरी दुनिया के अंदर कभी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन कभी किसी कौम ने नहीं देखी जितनी अभी देखी गई है। तो आपने ये देखना है कि
फ्रस्ट्रेशन लेवल, एजिटेशन लेवल, उनके पास जो चीजें मौजूद हैं, उनके पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कितनी स्पीड से आता है, वो सोशली कितने वेल कनेक्टेड हैं, वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने बच्चे को हैंडल करना है। अब हम अपने बच्चों को सारी चीजें, सारी आसाइशें देते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन उनसे ये लगा के बैठते हैं कि वो हमें 80s और 90s की तरह, जिस तरह हम अपने माँ बाप को और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते थे ओबे करते हुए बच्चों को, तो वो भी हमें वैसे ही करें। वो ऑब्वियसली वैसे नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है कि उनके पास ज्यादा लॉजिकल रीजंस हैं अपनी बात को प्रूव करने के। बच्चे क्वेश्चंस भी करते हैं, क्वेश्चन का आंसर मांगते भी हैं, और फिर अगर आप क्वेश्चन का आंसर ना करें तो वो उसको लॉजिकली बिल्कुल सही। अच्छा हसन, कोई तीन शॉर्ट टिप्स बताइएगा फॉर पेरेंट्स कि वो अपनी पेरेंटिंग इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट टिप्स तीन। देखिए, सबसे पहली जो पेरेंटिंग टिप है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। आप फ्लेक्सिबल रहें, अपने बच्चे के बिहेवियर को एक्सेप्ट करें, और फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर एक्सेप्टेंस भी आती है, और फिर उसका रिस्पांस देना आता है। देखिए, ये एक वर्ड है रिस्पांसिबिलिटी, तो एबिलिटी पैदा करें रिस्पांस देने की, क्योंकि बच्चे हैं वो उस तरह के माइंडसेट के साथ अभी ग्रूम नहीं हुए जितना आप ग्रूम हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली वो बच्चे हैं, आप बड़े हैं, आपने अपना रिस्पांस देने की एबिलिटी को बेहतर करना। दूसरी टिप मेरे मुताबिक ये है कि आप बच्चों का पर्सपेक्टिव समझा करें। देखें, आपका एक्सपीरियंस है, आपने अपने एक्सपीरियंस से काफी सारी चीजें सीखी, आप एक्सपीरियंस से सीख के ऐसे बने हैं, और बच्चों ने कई चीजों का एक्सपीरियंस करना होता है। इसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस। मतलब बच्चे जब तक कोई चीज कर नहीं ना लेते, तब तक वो कभी कभी उसको मानते नहीं है कि ऐसा ही हो। मतलब आप बच्चों को कहें कि भाई आपने रात को बाहर नहीं जाना, तो अगर आप उनको कहें कि रात को बाहर नहीं जाना, तो वो जब तक जाएंगे नहीं, उन्हें पता नहीं चलेगा कि रात को। माँ बाप अपने बच्चे के साथ एक डायलॉग ओपन करते हैं, बात करते हैं, कन्वर्सेशन होती है, उसमें कोई आइडियाज डिस्कस होते हैं, मे बी वो ठीक बात कर रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप हर बात कर रहे हैं। तो लेकिन I think these are the three points जिस पे parenting के ऊपर जो है वो अपनी redefinitions करनी हो, parenting को redefine करना होगा। तीन points तो बड़े अच्छे हसन ने दिए, एक इसमें मैं भी add कर दूँ, वो ये है कि अगर आप जो as a parent आप जो कहते हैं वो नहीं मानते, आप जो करते हैं बेसिकली बच्चे उसको follow करते हैं। तो अगर आप कहेंगे कि आप झूठ ना बोलो और ये गेम ना खेलो, और आप खुद अगर मोबाइल पे सारा सारा दिन एक्टिविटी रखेंगे, तो बच्चों को कहेंगे जाओ भाई दरवाजे पे जाके बोल दो मैं घर नहीं हूँ, एक छोटा सा झूठ है। अगर आप फॉलो खुद करें जो आप कहते हैं, फिर वो बच्चे जो है उसको फॉलो करेंगे। तो इस चीज को देखना होगा, सिर्फ कहने से बात नहीं बनती। बिल्कुल सही। इसी के साथ एक ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। और जैसे कि कोरोना क्राइसिस जैसे ही आया, तो हुकूमत ने, पूरी दुनिया में तमाम हुकूमतों ने इमरजेंसी में प्लान बनाए, इसी तरह पाकिस्तान में भी ऐसे हुआ, पंजाब हुकूमत ने भी प्लान बनाए, और उसके बाद फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए गए इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने के लिए। लेकिन अब चूंकि मामला थोड़े बेहतर हो गए हैं, थोड़े केसेस कम आ रहे हैं, और हॉस्पिटल्स में अब जगह है, तो मामला ये आया कल देखने में कि एक्सपो सेंटर जो लाहौर में फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया था, उसमें अब ज़रूरत से ज़्यादा जगह खाली है, और कम लोग हैं, 8 लोग हैं सिर्फ, और इसी तरह जो बजट था उसका 90 करोड़ का, वो फील्ड अस्पताल कायम किया गया था, तो पर पेशेंट सिमल इस वक्त 5 लाख रुपए का वो कॉस्ट हो रहा है, जो कि बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में। बिल्कुल सही। और 90 करोड़ से ज्यादा का ये मंसूबा बदतरीन नाकामी का शिकार हो रहा है, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट का इस पर क्या मौकफ है, क्योंकि बहरहाल जिस वक्त ये कायम किया गया था, आइसोलेशन की ज़रूरत भी थी और कैपेसिटी बिल्टअप करने की भी ज़रूरत थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अभी सिर्फ 8 पेशेंट्स वहाँ पर जेरे इलाज हैं, और इससे पहले भी कुछ पैसे अदायगी नहीं की जा रही थी, उसका मामला भी सामने आया। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। और दूसरा जो सियासी गर्मा गर्मी चल रही है, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान में, उस पर भी हम बात करेंगे। पंजाब हुकूमत क्या स्टांस रखती है, हमारे साथ इस वक्त तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मौजूद हैं, उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आप ज्वाइन इन करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुसर्रत साहिबा, ये जो अभी हम बात कर रहे थे एक्सपो सेंटर की, 90 करोड़ रुपए लगे इस मंसूबे पर, और पर पेशेंट यहाँ पर बेड का योमिया कराया जो है वो 5 लाख रुपए पड़ने लगा है। पूरे के पूरे एक्सपो सेंटर के आइसोलेशन वार्ड में सिर्फ 8 पेशेंट जेरे इलाज हैं। बोझ नहीं है ये मालियाती तौर पर गवर्नमेंट के बजट के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अबू ज़र एंड सीमल। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये जो एक्सपो सेंटर है, चाहे इसमें एक पेशेंट भी ना हो सीमल, अभी हम इसको वाइंड अप नहीं कर सकते। आपको पता है कि इसको एमरजेंसी की सूरत में के लिए ही बनाया गया था, कि जब खुदा ना खास्ता
कोरोना पेशेंट्स इतने बढ़ जाएं कि हमारे हॉस्पिटल्स जब कंप्लीट मुकम्मल तौर पर वो फुल हो जाएंगे, तो फिर उस केस में हम जो है ना इसको शुरू में क्वारंटाइन के पर्पसेस के लिए, और उसके बाद हम जब 11 तारीख को तमाम हॉस्पिटल्स पे पंजाब में बहुत ज्यादा बोझ बढ़ गया था, तो हम इसके जो बेड्स थे, एक जो बड़ा मेन हॉल है ना, उसके बेड्स को हम ऑक्सीजन के ऑक्सीजनेटेड बेड्स के में कन्वर्ट करने जा रहे थे, लेकिन वो चूंकि हमारी जो हिकमत अमली थी कि हमने थोड़ा सा सख्ती की SOPs पे भी, ये जो हॉटस्पॉट को भी हमने कंप्लीट लॉकडाउन पे चले गए, और उससे ये हुआ कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम था, हॉस्पिटल्स थे, वहां पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खातर खा कमी हुई जो कि हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब तक कोरोना का खतरा मौजूद है, कि किसी वक्त भी सिचुएशन, बिकॉज जो एक्सपर्ट्स की अगर मैं ओपिनियन देखूं तो उन्होंने हमें अगस्त तक बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की तंबीह की है, जिसकी वजह से आपको पता है कि पंजाब के बेशतर इलाकों को हमने मुकम्मल बंद किया हुआ है, कंप्लीट लॉकडाउन। अब तो सिचुएशन बेहतर है, पंजाब के हॉस्पिटल से यही खबरें आ रही हैं कि हॉस्पिटल में बेड खाली हैं, काफी हद तक बेहतर मामलात हैं, वेंटिलेटर्स भी खासे खाली हैं, मतलब जो इसके लिए स्पेसिफाइड थे कोरोना के लिए, तो अब सिचुएशन बेहतर है। फॉर द टाइमिंग अभी इसको रोक देना चाहिए ताकि सारा जो उसके अंदर स्टाफ है या पेशेंट है उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें, इसका खर्चा बंद हो जाए, फिर जब दोबारा जरूरत पड़े तो खोल लें, लेकिन अभी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी तो पड़ रही है। देखें अबू सर, जब ये हमने इसको बनाया था ना, उस वक्त तो पेशेंट्स, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, नाम को नहीं थे, आई मीन इतने कम थे जब इसको जल्दी से हमने इनिशिएट किया। जी जी, जो अभी इट इमरजेंसी किसी वक्त भी, आप ये देखें कि हमारे जो सिचुएशन कितनी जबरदस्त थी, जो ईद से पहले जब एक वीक के लिए जो रिलैक्स किया, तो उसके बाद ईद के बाद जो हॉस्पिटल्स में हुआ कि हम लोग खुद भी देखें, हमने कुछ इतनी इस तरह की अलार्मिंग सिचुएशन थी कि हमने वो सारी आवाम से आवाम को उससे आगाह नहीं किया कि लोगों में अचानक से पैनिक ना पड़ जाए, लेकिन हम लोग बहुत खतरनाक सिचुएशन में जा रहे थे जो अल्लाह ने हमें जाते जाते बचा लिया। सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी इसको इसलिए वाइंड अप नहीं किया जा सकता, इस पे आपको पता है करोड़ों रुपए लगे हैं, और अगर हमें इमरजेंसी में इसकी जरूरत पड़ी तो हम उसको यूटिलाइज कर सके। मैं थोड़ा सा कुछ फिगर शेयर करूंगी कि जब हमने कोई एक वीक पहले तक हमने जो लाहौर का जो हॉस्पिटल्स थे वहां पे 671 थे ऑक्सीजनेटेड बेड्स, तो जिसको हमने 1228 कर दिया, और जब ये कर रहे थे तो तब ये ऑप्शन मौजूद थी कि हम इसके हॉल में भी ऑक्सीजनेटेड बेड्स को कन्वर्ट कर दें इसके जो बेड्स हैं। लेकिन जब हमने देखा कि हम अभी वी आर जस्ट वेटिंग, हम अपने हॉस्पिटल्स को, जैसे कि पिंडी का जो हॉस्पिटल है वहां 227 थे, उनको हमने 607 कर दिया, बिल्कुल इसी तरह जो निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान है वहां पे खाली 144 थे, उनको हमने 202 कर दिया। ऑप्शन ये थी कि हम इसको भी कर दें, लेकिन हमने फिलहाल होल्ड किया है, और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, बिकॉज ये जो मंथ चल रहा है और उससे अगला मंथ, ये दोनों इंतहाई क्रूशियल एंड क्रिटिकल है। अगर इंतहाई क्रूशियल एंड क्रिटिकल है, लेकिन मुसर साहिबा यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, उसके बाद से हम बड़ा क्लोजली फिगर्स को फॉलो कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि केसेस बहुत कम रिपोर्ट हो रहे हैं, एंड वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट एज वेल कि ये क्रेडिट बहरहाल इस पॉलिसी को जाता है गवर्नमेंट की, कि कोरोना के केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, वहीं पर लोगों को भी क्रेडिट जाता है कि वो SOP भी फॉलो कर रहे हैं, अवेयरनेस का लेवल ये है कि आप देखिए कि अभी केसेस तो 217,000 तक हो गए, लेकिन उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 104,000 रिकवर्ड भी हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं कोरोना के अलावा सियासत के ऊपर। आपने देखा होगा कि टेम्परेचर बड़ा गर्म है, अब सियासी गर्मा गर्मी जो है वो देखने में आ रही है। ऑपोजिशन गवर्नमेंट की तो बनती भी है और होती भी रहती है, इत्तेहादी क्यों गर्मा गर्म हो रहे हैं तहरीके इंसाफ के साथ, वो चाहे हम पंजाब में काफ लीग की बात करें, सिंध में MQM की, या फेडरल में MQM की बात कर लें, ये क्या मसला आप देख रही हैं, क्या समझती हैं आप, क्यों इत्तेहादी नाराज हो रहे हैं? सीमन, एट अ लाइटर नोट, जो पॉलिटिक्स की गर्मा गर्मी तो दिसंबर में भी जारी रहती है, तो अभी तो आप सोचो जुलाई एक तो अल्लाह की तरफ से टेम्परेचर जो पीक पे है, और पॉलिटिकल लोगों के जज्बात भी मुझे लगता है ऑपोजिशन के तो खामखाई पीक पे रहते हैं, दे प्रिटेंड कि वो पीक पे हैं, और जिस तरह से आपको पता है कि सम टाइम, नॉट एवरी टाइम, ऑपोजिशन को हक है ऑपोजिशन करने का, उनको मैंडेट मिला हुआ है ऑपोजिशन करने का, लेकिन जब वो बेसलेस, एजेंडालेस जो फनी चीजें होती है, तो उसमें अब तो सच्ची बात है हंसी आती है कि मतलब देखें कि जो कंस्ट्रक्टिव इनपुट होता है ना कोई भी, अब आज के दौर में जब मीडिया, सोशल मीडिया, लोगों में वैसी अवेयरनेस ज्यादा आ गई हुई है,
तो कॉमन सेंस जो है ना वो प्रिवेल करती है, और अगर हम लोग चाहे हुकूमती साइड के हों या अपोजिशन साइड के हों, वो 22 करोड़ आवाम को भी बेवकूफ समझ के अपोजिशन जो है वो प्रिटेंड करती है या फिर उनके पास कई दफा बेसलेस बात भी होती है, लेकिन बात वही मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फिर जमहूरी वतन पार्टी ऐसे क्यों कर रही है, जीडीए क्यों कर रहे हैं, फिर उसके अलावा आपके पास एमक्यूएम है, कल उन्होंने भी बात की कि खोदा पार चूहा भी नहीं निकला, मेंगल भी हैं, मेंगल साहब भी नाराज हैं, क्या मामला है ये इस पर बता दें। जी बिल्कुल, मैं पहले अपोजिशन का पॉइंट का जो करके आंसर मैं इत्तेहादियों पे जरूर बात करूंगी। अच्छा, उसमें यह है कि देखें, मैं आपको जो मैं बात कर रही थी कि जब इनकी जाति चीज की बारी आएगी तो उसमें ये इतनी गर्मा गर्मी शो करते हैं, लेकिन उसको मोल्ड कर देते हैं टुवर्ड्स पब्लिक। हम तो ये पब्लिक के लिए अकाउंटेबिलिटी की बात कर लें, करप्शन की बात कर लें, तो मैंने हमेशा ये जो बिलावल साहब है इनको इतना ही जज्बाती पाया है। मरियम साहिबा इतनी वो स्लीपिंग जोन में होती है, जिस दिन उनके अब्बा जी की बात होती है वो उनका ट्विटर अकाउंट एक्टिव हो जाता है। तो ये तो इनकी अपोजिशन का हाल है। जहां तक रह गई बात, अब देखें ना कल की कितनी गैर जिम्मेदाराना, चाहे वो पर्ची पे जिस तरह भी बन गए, एक पार्टी के चेयरमैन बन गए और इस पार्टी की बड़ी एक शानदार माजी रहा है, तो आप ये के जी मुझे ये बताएं कि अगर जरदारी साहब आज किसकी कस्टडी में है, गवर्नमेंट की कस्टडी में है, जो उनको गवर्नमेंट से खतरा है, जो बयान दागा है वो उस बेबी को जो भी कोई लिख के दे देता है वो बेचारा आके बोलना शुरू कर देता है कि भाई हुकूमत से जरदारी साहब की जान को खतरा है। दोनों तरफ से होता है ना, जब ऑपोजिशन बोलती है तो गवर्नमेंट के लोग भी बोलते हैं, गवर्नमेंट के लोग बोलते हैं तो उस पर भी बात कर लीजिए कि ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन रह जाए और ऐसा लगे कि आप उस पर जवाब नहीं देना चाहते। नहीं नहीं, अच्छा नहीं, मैं देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, मैं ये अर्ज करूँ कि देखें, आप जब से पाकिस्तान में बजट पास होना होता है, जो भी इत्तेहादी होते हैं वो वेल बार्गेन करते हैं अपनी पोजीशन को। ये आपको पता है पॉलिटिक्स में ये पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में थोड़ा ज्यादा होता है। अब उनको मैं जो इत्तेहादियों की जो ये ख्वाहिश कि हमारे हलके के लोगों के लिए काम किया जाए, हमारी शरायत मानी जाए, ये जायज भी होती है, बिकॉज लोगों ने इन्होंने जाके पब्लिक को फेस करना होता है, और तो वो किसी हद तक हाँ, और वो जस्टिफाइंग होती है। उनको लगता है कि ये दिस इज द टाइम, गवर्नमेंट को हमारी जरूरत है, तो जिन चीजों पर वो पहले आराम से देखे ना, आराम से यही हमारे इत्तेहादी थे भी, इन्होंने आगे रहना भी है, लेकिन इस टाइम पे उनका यह हक है कि वो अपनी वो बातें जो नॉर्मल दिनों में नहीं कन्वे कर सकते, जरा हार्ड स्टांस लेके गवर्नमेंट तक पहुंचा दे, और गवर्नमेंट को चूंकि उनकी जरूरत होती है, तो ये पॉलिटिकल, मैं तो इसको डेमोक्रेसी की खूबसूरती समझती हूँ, और ये डेमोक्रेसी का हुसन यही है ना कि जब आप इस पोजीशन में हो, आप अपने अवाम का मुद्दा बार्गेन हो रही थी बजट के लिए, वो इत्तेहादी इत्तेहादी है और आपको कोई मसला नहीं है, आपको नहीं लग रहा कि ये चैलेंज होने वाला है गवर्नमेंट के लिए कोई फ्यूचर में? एब्सोल्युटली नॉट। बेसिकली उनके आप स्टेटमेंट्स देखें, आप क्यूली की बात करें, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा जी खाने खाने ना खाएं या मशाइये पे आए ना आए, हमारा वोट बजट पास करने के लिए हमने देना है। अगर हम नंबर की बात कर लें तो पिछली दफा 29 एक्स्ट्रा थे, इस दफा 41 एक्स्ट्रा हमारे वोट पड़े, यानी कि अपोजिशन से ज्यादा। इस बात का मतलब है, इस बात का मैसेज है। फिर मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग चीज भी बता दूं, ख्वाजा साहब और इनके लोग अक्सर बता रहे होते हैं कि जी डेढ़ दर्जन, कभी कहते हैं 22 लोग हमारे साथ राबते में है, वो कौन राबते में, मैं आपको आई वॉन्ट टू कन्वे टू यू। बेसिकली नून लीग की सफों में से कुछ लोग, आपको पता है सारे मीडिया ने कैप्चर किया कि एमपीएस भी मिले थे हमारे सीएम साहब को, इसी तरह कुछ एमएनएस भी हमारे साथ राबते में है। अब जो इनके लोग हमारे साथ राबते में है वो ये उनकी बात करते हैं कि जी वो 22 लोग, वो चूंकि ये उनको शोकॉज भी नहीं कर सकते, पार्टी से निकाल नहीं सकते क्योंकि इनका नंबर बहुत गिर जाएगा, तो ये इन्हीं के लोग हैं, उनके साथ ये रابطوں में रहे, लेकिन ये बात मैं कन्वे कर दूं कि वो हमारे साथ رابطے में और अपने عوام के कामों के लिए رابطے में, और हम पीटीआई के लोगों की सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, हम तमाम लोगों की। बड़ी तफसीलन बात हुई है और ये नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी थोड़ी सी, उन्होंने कहा गवर्नमेंट के लिए कोई चैलेंज की बात नहीं है, ये और ये जमहूरियत का हुस्न है जो होता रहता है, और हमेशा बजट के पास, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि बजट के करीब ही हमेशा इत्तेहादी जो है वो अपने मुतालिबात बड़े जोरों शोर से सामने रहते हैं। चलें, आने वाला वक्त भी बता देगा कि वाकई में चैलेंज है हुकूमत के लिए या नहीं। हम चाहते हैं कि जमहूरी दौर पूरा हो इस हुकूमत का, लेकिन वहीं पर हमारी रिक्वेस्ट, और हम ये भी चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ मिले और आवाम को फायदा उससे। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं।
कयामत खेज गर्मी में मटियारी की मीठी सौगात में ठंडी लज्जत भरी आइसक्रीम, पेड़े और मावा भी सूबे भर में मशहूर हैं। जैसे बनाने के लिए खालिस दूध को अच्छी तरह से पकाकर पिस्ता, बादाम, खुशबू और दीगर नुस्खा इस्तेमाल किए जाते हैं। आइसक्रीम में चीकू, पाइनएप्पल, बादाम, पिस्ते की लज्जत भरे जायके बनाए जाते हैं। मटियारी का मशहूर मावा और पेड़े आइसक्रीम खाने और अपने प्यारों के लिए पार्सल ले जाने के लिए सूबे भर से लोग आते हैं और लुत्फ अंदोज होते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोगों का कहना है कि कोटरी से आए हैं और खासतौर पर हम भटशाह की दरगाह पे जा रहे थे, तो हम यहाँ का खोया, आइसक्रीम और जो है वो मशहूर है, तो हम लोग जब भी इधर से गुजर होता है तो हम यहाँ आते हैं और ये खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। यहाँ की जो आइसक्रीम है वो बहुत ही मशहूर है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इसका जो जायका है वो बहुत ही लजीज होता है। कोरोना वायरस खतरात के पेश नज़र लॉकडाउन और क़यामत खेज गर्मी में मटियारी की लज्जत भरी मशहूर आइसक्रीम, पेड़े और मावा खाकर आने वाले लोग खुशी और ठंडक महसूस करके लुत्फ अंदोज होते हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह मेमन के साथ मोहम्मद इफ्तिखार, 24 न्यूज़ मटियारी। मोहम्मद इफ्तिखार साहब की बड़ी ज़बरदस्त ये रिपोर्ट थी, और ऑब्वियसली अगर आपको इत्तेफाक हो जाने का मटियारी तो आइसक्रीम और ये पेड़े जरूर खाइएगा, और अगर कोई जा रहा है तो उससे पेड़े तो आप मंगवा सकते हैं, वो जरूर मंगवा लीजिएगा क्योंकि उनकी जो टेस्ट और खुशबू है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। जबरदस्त है ये तो टेस्ट इसका। इसके अलावा एक और आज दिन है जिसके हमने जिसका जिक्र करना है, वो है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। आज मनाया जा रहा है, 1924 से इसका आगाज़ हुआ था और 2 जुलाई हर साल ये मनाया जाता है। खराज तहसीन पेश करते हैं आज के दिन हम लोगों को, जो कि स्पोर्ट्स को कवर करते हैं और लाइटर साइड ऑफ द वर्ल्ड हम तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल सही, और जैसा कि अभी हम शुरू में भी जिक्र कर रहे थे कि खेल के मैदान को आबाद रखना और खिलाड़ियों का जितना इसमें हिस्सा होता है उतना ही स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का भी हिस्सा होता है। वो चाहे इवेंट्स कवर करना हो, वो चाहे खिलाड़ियों की आपस की बातें लोगों तक पहुंचाना हो, वो चाहे मैचेस किसी भी किस्म के कोई भी टूर्नामेंट्स हो वो कवर करना हो, या फिर जिसे कहते हैं ना कि लाइटर नोट स्टोरीज उसको पूरा कवर करना, जो टीवी पर हम मैच देखते हैं। कई दफा ऐसे होता है कि आप क्योंकि ऑब्वियसली स्पोर्ट्स से पाकिस्तान के पूरी दुनिया में जहां जहां खेलती थी, फोटो जर्नलिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि पिक्चर्स ऐसी कैप्चर करते हैं अक्सर जो वहां पर फैंस हैं, या फिर पिक्चर्स हो जाती हैं वो फैंस हैं, फिर प्लेयर्स की कुछ कैंडिड मूवमेंट्स होती हैं वो आप कवर करते हैं। इसके अलावा जो दौरान जो मैच होता है या जो स्पोर्ट्स खेली जा रही होती है उसके दौरान आप वो मूवमेंट्स कैप्चर करना, उसके बाद उसको डिटेल में बताना, फिर ओवरऑल कवर करना इस इंसिडेंट तमाम जो इवेंट्स हैं, ये वाकई बड़ा मुश्किल काम है। और एक जाते जाते छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि कहा जाता था कि शायद ये मेल डोमिनेटिंग फील्ड होगी, फील सो हैप्पी कि अब फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी पाकिस्तान में आ रही हैं, एंड आई थिंक दिस इज वेयर वी ग्रो, दिस इज वेयर वी लर्न समथिंग न्यू, कि खवातीन भी हर फील्ड में साथ साथ हैं। तो तमाम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को सलाम, और आप अपना काम ऐसे ही जारी रखिए। और हम चूंकि स्पोर्ट्स लवर कंट्री हैं तो हम आपको भी बड़ा पसंद करते हैं जो कि इस स्पोर्ट्स को कवर करते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान में जल्द दोबारा से स्पोर्ट्स आबाद होंगी, मैदान आबाद होंगे, और फिर से हम दोबारा से आपकी वजह से स्पोर्ट्स को देख सकेंगे। बिल्कुल सही, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ट्वेंटी फोर न्यूज़ बाखबर 24 घंटे।